हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, तो प्रश्न नंबर एक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हरे पौधों में। क्वेश्चन नंबर दो, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी नमक से। क्वेश्चन नंबर चार, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, तो ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज का। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न में से परजीवी पादप का एक उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी कशकुटा। क्वेश्चन नंबर छः, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाएं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़े। क्वेश्चन नंबर सात, दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो ऑप्शन नंबर बी एनामेल। क्वेश्चन नंबर आठ, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर नौ, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर दस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर बी CO2 से। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर बारह, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो ऑप्शन नंबर ए हरा। क्वेश्चन नंबर तेरह, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर 14, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी रंध्र में। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी यकृत। क्वेश्चन नंबर सत्रह, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हरित लवक। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल अणु।
क्वेश्चन नंबर 19, जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों।